एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इस हफ्ते बाहर हो जाएंगी? We are definitely not because सना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एक आप बात बताएं, डू यू फील बिट्रेड बाय योर एविक्शन? बिकॉज़ ऐसे आप शायद certainly being spoken about in the last few episodes, जो वीकेंड का वार होता है उसमें बहुत सारे चीज़ें मेरे लिए, इनफैक्ट मुझे मुझे बताया जा रहा था कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे क्या खेल कैसे आगे खेलना चाहिए, जो बाकी काफ़ी कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं बोला जाता है. तो मुझे डेफिनेटली होप तो था कि शायद प्रॉबेबली आई विल बी सेफ दिस वीक, बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया. आप जो कोर्ट और मतलब जो आपने वकालत सीखी और जो कोर्ट में आप जब आप अपेयर होती उसके कितने पेपर अपने घर के अंदर ये तो इट्स अ गेम शो, तो मैं एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम कोर्ट एंड व्हाट आई डू इन कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे टोटली अलग है. मैं वहाँ पे कोर्ट में सीरियस केसेस लड़ती हूँ, यहाँ पे तो अंडे पे कॉफ़ी पे ये सब चीज़ों पे मुद्दे बनते थे, तो कभी कभी तो मैं आई वुड रिलीज से आउट ऑफ इट. बट जब मैं आती थी तो मैं भी उसमें अपना खुद का कुछ एंटरटेनमेंट क्वेश्चन या कुछ ना कुछ अपना करती थी. मैंने फिर मैं कभी कभी जैसे जितने जहाँ जहाँ मुद्दे मुझे लगते थे सही है, जहाँ पॉइंट उठाना चाहिए वहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी. बाकी टाइम मैं ऑब्वियसली मैंने फिर अपना अपनी तरह से जितना मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी मैं अपने हिसाब से वो दे रही थी. जैसे मेरा डांस हो गया, मेरा रैंप वॉक हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माय पर्सनालिटी एज जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना. सुना क्या आपको लगता है घर में आपने आपका गेम दिखाना काफ़ी लेट शुरू किया और इस वजह से यू आर एविक्टेड? और परहैप्स बिकॉज मुझे गेम थोड़ा लेट, एक्चुअली मैं गेम ऐसे बहुत देख कर नहीं आई हूँ, ये मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था. मैंने ये सीज़न का कोई पहले कोई सीज़न देखा ही नहीं था, तो मैं एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंस से गेम सीख रही थी और समझ रही थी. मैं काफ़ी लेट, हाँ काफ़ी लेट तो नहीं बोलूँगी, बट यस मेरे सिचुएशन सर्कमस्टेंशली जैसे जैसे सिचुएशन आते थे वहाँ पे अपने आप गेम बनती है और गेम वैसे वैसे यू नो शेप अप होता है. तो ऐसा कुछ नहीं होता है गेम जैसे कि, बट बहुत सारी चीज़ें आई एडमिट कि मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँ रियल लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है. तो या बट 8 weeks इज ऑल्सो नॉट अ शॉर्ट पीरियड फॉर यू टू सस्टेन. सर ना कहीं अब आप अपना गेम दिखाना स्टार्ट की थी जिस तरह से विक्की से आपके झगड़े हुए, तो अभी राइट टाइम नहीं था आपके हिसाब से? क्योंकि पब्लिक को भी इंटरेस्ट आने लगा था आप पे, क्योंकि स्टार्ट में कंफ्यूज करके आपको रखा गया, इस पे क्या टेक है आपका? और ये स्टेटमेंट आप दे भी चुकी है. मुझे क्लैरिटी मिली गई थी, मुझे क्लैरिटी मिली गई थी. एक्चुअली ये शो ये सीजन थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था ही. आई एम नॉट द ओनली वन हु इज कंफ्यूज, यहाँ पे बाकी बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज है और जिनके बारे में कहा गया है वो कंफ्यूज है. बिकॉज किसी को मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप पूछे तो जैसे अनुराग को तो ये कन्फ्यूजन है वेदर ही वॉन्ट्स टू स्टे ऑन द शो या उन्हें शो छोड़ के जाना है. खानजादी को हर रोज़ कन्फ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है. देन और ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कन्फ्यूजन था वेदर ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और नॉट, वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, मतलब तुम क्या बोल के आए हो. हर किसी का कन्फ्यूजन वाला फेस था. इवन अंकिता भी बोल रही मुझे बाहर. कब बोल रही हूँ? बोला उसने. हाँ उसने भी बोला, हर कोई बोलता है, हर एवरीबडी गोज थ्रू दैट फेज. इन फैक्ट लास्ट वीक में मैं भी ऐसा फील कर रही थी कहीं ना कहीं, तो सबका वो लो फेज आता ही है. बट वो देन समहाउ यू नो यू हैव टू एक्चुअली मास्टर अप द करेज एंड यू हैव टू स्टे देयर, बिकॉज पेरेंट्स के बिना और अपने लव्ड वंस के बिना इतने दूर रहना, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कुछ पता नहीं होता है वहाँ पे क्या चल रहा है बाहर. कभी कभी प्रेशर बहुत होता है कि बाहर पता नहीं चीज़ें कैसी परसीव की जा रही है, एंड उस वजह से इंसान कभी कभी एक्चुअली लॉस्ट फेज में चला जाता है. जो मेरे साथ हुआ तो पता नहीं दिखा होगा, पर बाकी बहुत लोगों के साथ हुआ और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है. कुछ लोग तो बेड पे आ गए थे एक एक हफ्ता और बाहर नहीं निकल रहे थे बेड से. तो एक्चुअली पता नहीं, मतलब मैं जो भी था, बट आई फील दैट मैंने मुझे एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि मैं और बहुत कुछ अपना बहुत पोटेंशियल दिखा सकती थी. आई कुड हैव शोन मच मोर. मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फुटेज के लिए, आपने देखा होगा शायद, मैं तो आई वुड बी द लास्ट पर्सन जिसने फुटेज के लिए कभी कुछ किया होगा शो में. आप वो दिख के भी समझ में आता था कि मैं कभी ऐसे फालतू के मुद्दे नहीं बनाती थी ना फालतू के मुद्दे उठाती थी. इनफैक्ट कोई सामने वाला उठाता था फिर मैं उसका पार्ट बन के मैं भी उसे खींचती थी, इलैबोरेट करती थी, स्ट्रेच करती थी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. बट जैसे कि मुझे अब मतलब आई हैव मेंटेन कि मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड और बाहर भी मेरी है अच्छा
चीज़ें अच्छी है मेरे लिए, तो ऐसा नहीं था मेरे लिए कि मतलब वहाँ पे सिर्फ फुटेज के लिए दिखने के लिए दिखूँ। वैसा होता तो मैं फिर फर्स्ट वीक से आपको पूरा दिन नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर मैं अपने पे आज अगर मैं खुद ठान लूँ कि मुझे पूरा दिन कंटेंट देना है तो मैं वो कर सकती हूँ, वो है मेरे में कैपेबिलिटी। और मैंने कभी कभी यू नो गुड ऐसे अच्छे मूड में किया भी है वो मैंने, तो वो तो वैसे आपको दिखता ही। नॉमिनेशन के बाद मैं बहुत एक्टिव हो जाती थी, आई नो वो भी एक मेरा कैरेक्टर का एक पार्ट था। आपने कभी आपने वो भी कहा था एक बार कि आप वीक हो जाती थी जब भी यू नो आप नॉमिनेट होती थी, एक बार आपने कहा वीक हो जाती थी, फिर आपने कहा कि नहीं आप वीक नहीं होती थी, नॉमिनेशन का आपको डर नहीं था, आपने दो बातें। हां कभी एंड में तो निकल गया था मेरा वो डर, अब तो ऐसे लास्ट में तो ऐसा मैं एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया था मैंने कि अब तो मुझे पता था अगर मैं रहती तो अगले वीक डेफिनेटली नॉमिनेट होती, तो मुझे वो कोई डर नहीं रहा था, ऐसा था कि मैं रही ठीक है, अब तो अगर जो आया जिसने आके जो बोला मैं भी चुप नहीं रहूँगी, भिड़ के जाऊँ। और वैसे भी आपने देखा मैं कभी चुप नहीं रही, आप लोग ने देखा होगा मैं कभी कोई मुझे दबा नहीं पाया, मैं हमेशा जो अगर कोशिश भी की किसी ने तो मैंने अपना खुद के लिए स्टैंड लिया, मैं अपने लिए हमेशा खड़ी रही। इनफैक्ट मेरे ज़्यादातर हमेशा लड़कों में रही, मेरे रूम्स में हमेशा मैं आई वॉज द ओनली वन हु इज़ द ओनली गर्ल ऑलवेज, एंड आई ऑलवेज मतलब इन्जॉयड ऑल्सो टू अ सर्टन एक्सटेंट। एंड ऐसा था कि कभी हमेशा लफड़े मजाक हंसी मजाक हमेशा होता था मेरे इर्द गिर्द, और मैं इन्जॉय भी करती थी। हाँ वो मैं उस पर यही कहना चाहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं ऑफकोर्स हर कंटेस्टेंट कहीं कभी गलत दिखता है गलत जाता है, अगर उन्होंने कहा है तो आई एम श्योर कि कहीं मेरा ऐसा कुछ दिखा होगा कि कहीं मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को की तरफ एक अलग रिएक्शन दिया और दूसरे पर्सन के अलग तरफ अलग रिएक्शन दिया। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो विकी से रिलेटेड वो चीज़ थी वो एक टास्क में बोली गई थी, तो उस चीज़ में मैंने इतना ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज आई जस्ट thinking about it from task perspective. तो definitely मैं इसीलिए मैंने वहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि तुमने लड़की से क्यों ऐसे बात करी या वैसे। बाकी फिर यू नो विकी और मेरी और विकी का टोन भी कभी उस लेवल तक नहीं गया, जैसे दूसरे एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में मैंने कहा था वो टोन बहुत ऊँची जाती थी तो इंसान को बॉदरसम लगता है, तो वो टोन रिलेटेड प्रॉब्लम था मोर देन एनीथिंग एल्स। बट अदरवाइज ऑल्सो इफ करण सर टोल्ड मी समथिंग आई एम श्योर कि इट वॉज समथिंग यू शुड वर्क अपॉन, एंड यू नो आई डेफिनेटली रियलाइज इट। एंड देन आई मतलब लॉयर को क्या डांस नहीं कर सकता, दिस इज सो अब्सर्ड। आई नो दिस इज वेरी अब्सर्ड एक्चुअली इनका, इसीलिए मैं एक्चुअली कभी कभी कुछ लोगों कुछ कंटेस्टेंट से एक्चुअली यू नो आई वुड बी रियली सरप्राइज कि मुंह पे बहुत अच्छे बनते थे। आई वॉज द ओनली पर्सन हु इज वेरी जेन्युइन एक्चुअली, मतलब मैं सबके सामने जो मुंह पे थी वो थी, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं मुंह पे दिखा देती थी, पीठ पीछे मैं अगर आपने देखा होगा मैंने बैक बिचिंग तो कभी ये सब में मैं थी नहीं ज़्यादा कि इसको इसके खिलाफ इसको उसके खिलाफ। पर बाकी जैसे कुछ लोग थे वो लोग पता दिस इज अ गेम एंड एवरीबडी इज योर कंपेटिटर, दे आर नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड्स, तो ऑफकोर्स वो अगर कुछ बोलते हैं